was the basic requirement of laptop for teachers in 2021. अगर आप एक टीचर हैं तो आपको लैपटॉप में क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आज हम बताने वाले हैं, जिससे आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। What do teachers need in their laptop? At least a good performing laptop for teachers should have following minimum system requirement. आपकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्या होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 to 10। अगर आपके पास 10 है तो बहुत अच्छा, ना तो 8 से भी काम चल जाएगा। मैक ओएस हो ले सकते हैं। प्रोसेसर में 2.5 गीगाहर्ट्ज इंटेल कोर i3 जनरेशन से i5 जनरेशन का प्रोसेसर ले सकते हो, और अगर इससे बेटर हो तो वो बहुत परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छा होगा, जो उसमें से i7 i9 i11 भी है। रेजन 357 में से कोई एक ले सकते हैं। AMD प्रोसेसर ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, जिसमें से इंटेल बेस्ट है। रैम 4GB मिनिमम, लेकिन 8GB हो या और ज़्यादा हो तो वो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके अपनी कैपेसिटी को शो कर सकते हैं, ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर में पढ़ा सकते हैं। स्टोरेज आपकी 256 से लेकर 512 GB तक हो सकती है मैक्सिमम, और SSD और HDD कार्ड ले सकते हैं आप स्टोरेज के लिए। अगर HDD लेते हैं तो एक्सटर्नल ड्राइव लीजिए, जिससे आप एक्स्ट्रा अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करके मेमोरी को खाली कर लीजिए, और SSD है तो वो ज़्यादा अच्छी होगी और वो आपके परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छी होगी। डिस्प्ले में एटलीस्ट 15-inch मोनिटर होना चाहिए विथ ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड इन बिल आजकल आने लगा है, तो आपको उसकी परेशानी नहीं रहती है। टच स्क्रीन फॉर रोटेशन फीचर, अगर टच स्क्रीन आप लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप रोटेट करके अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा विजुलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। पोर्ट HDMI लेते हैं फॉर एडिशनल डिस्प्ले के लिए, अगर आपका कोई एडिशनल डिस्प्ले है तो HDMI पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में माइक्रोफोन और स्पीकर हो तो अच्छा है, जिससे आपकी वॉइस अच्छे से आए। वेब कैमरा हो तो आप वेब कैमरा यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट से कर सकते हैं, जैसे जूम है, गूगल मीट है, इस सब से आप स्टूडेंट से बातें करके काम कर सकते हैं। हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वाईफाई ही नहीं होगा तो आपका प्रोसेसिंग अच्छा नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होगा, आप ऑनलाइन अच्छे से नहीं पढ़ा पाइएगा। मेक श्योर यू गेट आइदर द लेटेस्ट वाईफाई प्रोटोकॉल वाईफाई AX और वन बिफोर दैट वाईफाई AC। और इसके अलावा बैटरी बैकअप भी होना चाहिए आपके पास, जो 2.5x एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ स्पैन सफिशियंट बट कैन गो फॉर मोर बेटर, अगर और इससे अच्छी आप ले सकते तो और अच्छी बात है। एंटीवायरस होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में वायरस थ्रेट और हैकिंग का भी प्रॉब्लम होती है, जो अपग्रेडेबल वर्जन का आपका एंटीवायरस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फॉर इनिशियल वर्क MS ऑफिस 2019 वर्जन या MS ऑफिस 365 पेड वर्जन आपका होना चाहिए। अगर 365 नहीं ले सकते हैं तो MS ऑफिस के लोअर वर्जन से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आपके सारे इनिशियल वर्क उसी में होते हैं। उसके अलावा विंडो तो हमने पहले ही बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसके अलावा ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास, अच्छा फास्ट ब्राउज़र होगा तो अच्छे से काम कर पाइएगा। उसके अलावा अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो बच्चों के लिए अच्छा वीडियो बना के आप भेज सके। टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप फॉर टीचर्स आजकल आ रहा है, SOS वीवो बुक 17-inch, SOS वीवो बुक 15-inch, Acer Aspire E5, Lenovo Idea Pad 3, 14 न्यू MacBook Air। ये हमने इंटरनेट से ढूंढ करके डाला है,
आप अपनी सर्च अपने से करिएगा और देखिएगा कि आजकल बेस्ट क्या चल रहा है. बट यू मस्ट डू योर ओन सर्वे टू परचेज अ लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है हमें नहीं मालूम, लेकिन इनिशियल रिक्वायरमेंट जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बताया उससे फुलफिल हो सकती है. इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर. फॉलो माई कम्युनिटी एंड ऑल सोशल मीडिया लिंक. कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. प्लीज़ सपोर्ट एंड रन माई वीडियो एंड गेट दिस टाइप ऑफ मोर ट्यूटोरियल. To get this type of more tutorial, you must subscribe my channel, Rata Nagarwal IT Informer.